हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि इन्वर्टर का काम, इन्वर्टर का काम कितना घंटा काम होता है, कैसे पगार मिलते हैं। आज के वीडियो में मैं इन्वर्टर काम करके बनाया हूँ। चलो वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत छोटा है और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ। तो इन्वर्टर का काम होता है, वो काम होता है 12 घंटे का, रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक। और एक पाली होता है कि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। ये काम में क्या होता है कि आप कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि पूरा का पूरा ड्यूटी 12 घंटा करना पड़ता है। धागा टूटेगा या धागा कुछ खाली हो जाएगा, उसको लगाना पड़ेगा। इसलिए वो काम में क्या होता है, 12 घंटा काम करना पड़ेगा। आप कहीं जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता। चलो अभी देखिए किस तरह काम होते हैं। कोई धागा टूट जाए तो उसको जोड़ना पड़ेगा। ये बहुत काम, बहुत मेहनत है। दिन पहले जो काम होता है, दिन भर जो ड्यूटी होता है। तो कारीगर किसी भी तरह कर लेते हैं, खड़े खड़े कोई दिक्कत नहीं रहता। रात पाली होता है, नाइट पाली, तो कारीगर लोगों को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि नाइट भर ऐसे खड़े रह के काम करना पड़ता है। और क्योंकि जो उसका जो सुई होता है ना, वो कितना बार ऊपर नीचे होता है, वो सब कंप्यूटर में दिखाता है। तो गिनती होगी कंप्यूटर में दिखाता है। आप सो नहीं सकते रात में, क्योंकि अगर मशीन बंद हो जाएगा तो सेठ जो होता है ना, मालिक ओनर जो होते हैं, वो आके पूछेगा काम हुआ नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में दिखा देता है कि कितना घंटा काम वो किया, कितना टाइम मशीन बंद रहा। वो तो कैमरा लगाया है, फिर भी कंप्यूटर से मालूम चल जाता है कितना मीटर कपड़ा बनाया। इसलिए ये काम बहुत मेहनत है, 12 घंटे तक पूरा फुल काम करना पड़ेगा। और जो टेक्सटाइल मिल में मैंने वीडियो बनाया था, दूसरे का जो काम है उसमें क्या होता है, उसमें जितना काम मिला उतना पगार मिला। जो लूम्स का काम होता है, सादा वाला कपड़ा बनाते हैं, मगर उसमें क्या होता है कि अपना मर्जी से, अगर काम कम होगा तो आपको कम भी पगार भी कम मिलेगा। मगर जो इन्वर्टर का काम होता है, वो फिक्स पगार होता है। आपको महीना में 25,000 या 22,000 देते हैं, उसमें पगार वो कम नहीं करेगा, इसलिए काम उसको देखाना पड़ेगा। चलो अभी देखें इन्वर्टरी काम कैसे हो। अभी जो इन्वर्टरी काम कर रहा है, जो ऑपरेटर है, उनको मिल रहा है महीना में 25,000 रुपये मिलता है। यहाँ 2 मशीन है, वो 2 मशीन चलाते हैं, एक 15 हेड वाला है और एक 17 हेड वाला है, वो दोनों को चलाते हैं। मशीन छोटा बड़ा बहुत होते हैं, जैसे 12 हेड वाला है, 15 हेड है, 20 हेड है, 40 हेड है, 45 हेड मशीन भी होते हैं। जितना हेड होता है उतना ज़्यादा पैसा होता है, पैसा में खरीदना पड़ते हैं। अभी देख कितना सुंदर डिज़ाइन होते हैं। ये वाला डिज़ाइन अभी मार्केट में चालू है, ये नेट साड़ी है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर देखते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आप लोग कैसा लगा। ये देखिए, ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करके यहाँ गया था, इस जगह में बनाने के लिए। जो चलाता है इनका नाम है गोविंद भाई। अभी देखो कैसे मशीन चलता है, इसका डिजाइन भी देखो। ये जो सीक्वेंस डाला है, पहले सीक्वेंस डाला जाता है, उसका ऊपर डिजाइन का धागा मोटा वाला, उसका ऊपर चालू है। कंप्यूटर में जैसे सिस्टम पे जैसे डिजाइन में सेटिंग किया जाएगा, जो डिजाइन सिलेक्ट करके चालू करेगा वही डिजाइन में ये सब चलेगा। ये देखिए, ये सब हेड्स है, देखिए 1, 2, 3, 4, सब जितना चलता है तो हेड है, और हेड का ऊपर रहता है धागा, और हेड का अंदर जाता है, टेंशन होके नीचे आके चलता है। और हेड के पास है कि चक्री जैसे देखते हैं, चक्कर जैसा, वो सीक्वेंस है, उसका अंदर सीक्वेंस है। वो डिजाइन देखते हैं, वो डिजाइन डाला है, सीक्वेंस साड़ी में डाला गया है, वो इधर से आता है। चलो आज की वीडियो बहुत छोटा, अच्छा लगे जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, जय जगन्नाथ।